जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। सोमवार का दिन 8 मई, शिव योग ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम 7:10 तक बुध का प्रभाव, क्योंकि बुध ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी होता है। उसके बाद मूल नक्षत्र का उदय, केतु का प्रभाव, बुध और केतु के प्रभाव से आज का दिन आपका प्रभावित होगा। राहु की छाया होगी, बृहस्पति और शनि की दृष्टि होगी। आज आपके पास धन होगा, सफलता होगा, कर्मों का सुख होगा, लेकिन आज आपके जीवन में थोड़ा भाग दौड़ लगा रहेगा, क्योंकि केतु इस समय शनि से प्रभावित है। तो जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें, सोच समझ कर काम करें, तभी आपके जीवन में धन ख्याति संपत्ति की प्राप्ति होगी, तभी आपके जीवन में तरक्की होगी, तभी आपके जीवन में लाभ होगा। आज सूर्य के साथ बुध का गोचर हो रहा है, साथ ही बृहस्पति और राहु भी है, तो जीवन में बेहतर लाभ के अवसर मिलेंगे, एक बेहतर शुरुआत आपके जीवन में होगा। आज बृहस्पति जो है अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में केतु से प्रभावित है, वहीं दूसरी तरफ राहु भी अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में केतु से प्रभावित है, और केतु आज स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में राहु से प्रभावित है, और शनि सत्विशा नक्षत्र के द्वितीय चरण में राहु से प्रभावित है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर है, पर केतु थोड़ा आपके जीवन में समस्या लेकर आएगा, तो उस समस्या से बचने के लिए आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, ओम के केतुए नमः का जाप करें, आपके लिए तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा, सफलता कामयाबी की प्राप्ति भी होगी। आज कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत को आप चमका सकते हैं, अपने कर्म से जीवन का सुख पा सकते हैं, बड़ी तरक्की उन्नति का योग बनेगा, सुख सौभाग्य का फल प्राप्त होगा। बुध और केतु के प्रभाव से आकर्षक स्वाभिमानी जीवन होगा, इच्छा शक्ति भी होगी, शुभ स्थिति आपके जीवन में धन लाकर देगा, सफलता देगा, कामयाबी देगा, उमंग उत्साह आपके जीवन में हर इच्छित मनोकामना की पूर्ति करेगा। आज का दिन अपने परेशानी पर विजय प्राप्त करने का दिन है, अपने जीवन में शुभ काम करने का दिन है, सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा, सौभाग्य धन लाभ परिस्थिति आपकी बदलेगी, आप भाग्यशाली होंगे। आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, आज का दिन 4 चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी बृहस्पति, तृतीय चरण का स्वामी चंद्रमा है, और चतुर्थ चरण का स्वामी बुध है। आपके सपने साकार हो सकते हैं, आपके जीवन में लाभ तरक्की का अवसर प्राप्त हो सकता है। नौकरी व्यापार की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए शुभ है, क्योंकि शुक्र मंगल के साथ गोचर कर रहा है। जीवन में खुशी भी बढ़ेगी, जीवन की निराशा भी दूर होगी। आज के दिन बेहतर लाभ अर्जित करने के लिए, अपने कष्टों का अंत करने के लिए जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। अचानक आपके जीवन में कुछ मांगलिक कार्य भी होंगे, तरक्की के अवसर भी प्राप्त होंगे, लाभ भी प्राप्त होगा, भाग्यशाली भी होंगे, महत्वाकांक्षी भी होंगे, तो दिन आपके लिए तरक्की लाभ सौभाग्य लेकर आया है। आज शिव योग है, आपके लिए समय बड़ा शुभ है, जो आपके भाग्य को भी चमकाएगा, आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और किस्मत के सितारे आप पर मेहरबान होंगे। बुध केतु के प्रभाव से आज का दिन बेहतर परिणाम देगा, बृहस्पति शनि की दृष्टि से बड़ा लाभ होगा। आज राहु काल 7:16 से 8:57 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें, आपके
लिए लकी कलर व्हाइट होगा। लकी नंबर 5 है। अखंड धन सौभाग्य से आज का दिन आपके लिए तरक्की लेकर आया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11, अमृतकाल 10:48, अभिजीत मुहूर्त 11:51 और विजय मुहूर्त 2:32 आपके लिए शुभ है, जो आपके जीवन में तरक्की उन्नति धन समृद्धि लाकर देगा। आपकी कुंडली में लाभ का योग है, सौभाग्य का योग है। मेहनत से काम करें, किस्मत भी चमकेगी, भाग्य भी चमकेगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय।